स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल की वीडियो के इस फोर्थ पार्ट में हम कर रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स री इश्यू ऑफ शेयर्स अब देखिए फोर फीचर का मीनिंग क्या है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स ऑफ ए डिफॉल्टर बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मनी ड्यू ऑन अलाटमेंट और कॉल्स एंड रिटेनिंग द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन दोज शेयर्स बाई द कंपनी क्या मतलब बना के जब ड्यू पेमेंट शेयर होल्डर नहीं देते टाइम के अंदर तो कंपनी नोटिस देती है कि आपके शेयर अब फॉरफिट होने जा रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी वो शेयर्स कैंसिल कर देगी और उसके बाद वो अमाउंट भी फोर फिट हो जाएगा और वो जो शेयर्स हैं उस शेयर होल्डर के नाम से कैंसिल हो जाएंगे उस शेयर होल्डर का नाम जो है कंपनी के रजिस्टर ऑफ़ शेयर होल्डर से रिमूव हो जाएगा और उस दिन के बाद शेयर होल्डर लूजिस ऑल द राइट्स एज ए शेयर होल्डर नो डिविडेंड नो वोटिंग राइट कुछ भी नहीं नो इंस्पेक्शन कुछ भी नहीं अलाउड देर आर थ्री मेन केसेज ऑफ फोर फीचर फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार वो शेयर्स का फोर फीचर जिनको कंपनी ने पार पे इशू किया था फेस वैल्यू पर इशू किया था सेकेंड केस है फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम वो शेयर्स जिनको कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया था इसके फर्दर दो केसेस है कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ और दूसरा केस है कि प्रीमियम रिसीव हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द केस ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार स्टूडेंट्स अब देखो जब हम इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो याद रखना अब हम कैंसिल करने जा रहे हैं तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड किस अमाउंट से जिस अमाउंट तक कंपनी ने कॉल किया था सेम अमाउंट विल बी कैंसल हाउ तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद कॉल्ड अप अमाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स टू शेयर फोर फीचर अकाउंट फिर स्टार लगा है स्टार का मतलब अगर अकेली अलाटमेंट हुई तो हम सिर्फ अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे और उस केस में अगर कॉल इन्वॉल्व है तो शेयर कॉल को भी क्रेडिट करेंगे टू तो शेयर फोर फीचर अकाउंट तो आना ही आना है दिस इज़ विद द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड इसी की तो बात हम कर रहे हैं कि कंपनी पैसा वो फो फोर फीट कर देगी फोर फीचर का मतलब जबत कर लेना कंपनी विल नॉट रिटर्न दिस अमाउंट तो इट बिकम्स ए कंपनीज प्रॉफिट और अगर अलॉटमेंट और कॉल्स की जगह हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला था तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट तो आई रिपीट दी एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर्स फोर फीचर अकाउंट बेसिक एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर्स फ़ोर फीचर तो तीन ही हिस्से हमारे पास हैं कितना कॉल किया था कितना अनपेड रह गया और कितना पेड है जो कंपनी फोरफिट कर रही है स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट केस आता है फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम तो इसके अंदर फर्दर दो केस हैं इफ़ प्रीमियम हैज़ नॉट बिन रिसीव्ड और एक इफ़ प्रीमियम हैज़ बिन रिसीव्ड। पहले हम लें कि प्रीमियम कंपनी कॉल कर चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुआ अब कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए लेकिन जब हमने ड्यू किया प्रीमियम हम उसको क्रेडिट कर चुके हैं तो इट मस्ट बी कैंसल्ड क्योंकि ये तो अभी हमें मिला ही नहीं तो एंट्री क्या होगी इस केस में शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फूड फीचर अकाउंट तो बेसिक एंट्री रिमेन सेम बट नाउ प्रीमियम हैज़ बिन एडेड इन डेबिट साइट अब ये देखो कि प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर था तो वो अलॉटमेंट के अंदर होगा अब अगर वो प्रीमियम कॉल के साथ था तो अब इस कॉल के अंदर होगा फ़ोर फीचर के अंदर वो हो नहीं सकता क्योंकि वो आया ही नहीं अभी तो एंट्री रिपीट करूँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉलज इन एरियर अकाउंट टू शेयर्स फोर फीचर अकाउंट द कॉलज इन एरियर विल इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑल्सो केस प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड एंड दोज शेयर्स आर बींग फोर फिटेड इन दिस केस प्रीमियम इज़ टू बी इग्नोर्ड के प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड किया और मिल भी गया इग्नोर इट फ्रॉम डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड सो बेसिक एंट्री वही रह जाएगी जो आपने पार के केस में की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स टू शेयर फोर फीचर इन अदर वर्ड्स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर्स फोर फीचर अकाउंट अमाउंट बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हमने पार के केस में लिखा अब इस शेयर फोर फीचर अकाउंट का करेंगे क्या हम इसे बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर कहाँ ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट स्टेप पे ऐड करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है क्या ये फोर फीट शेयर्स किसी को री इशू हो सकते हैं दोबारा से रीइशू हो सकते हैं यस yes.

The amount of discount on reissue should not exceed the amount already credited to shares शेयर्स account. फीचर अकाउंट ये याद रखना है कि जो कंपनी ने पहले अमाउंट ले लिया उससे ज्यादा डिस्काउंट री इशू के टाइम कंपनी नहीं अलाउ कर सकती सिर्फ उतना ही छोड़ सकती है जितना कंपनी पहले ले चुके। सो डिस्काउंट ऑन री इशू शुड नाट बी मोर दैन अमाउंट शेयर फोर फीचर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था जब हमने फोर फीचर किया लेकिन अब हम उसी प्रॉफिट में से ये डिस्काउंट निकाल रहे हैं तो शेयर फोर फीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर री इशू ऑफ शेयर्स एनी बैलेंस इन फोर फीचर शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अब फैसला हो गया अब हमें ये पैसा किसी और पर्पस के लिए नहीं चाहिए अब हम इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ ऑल फोर फिट्टेड शेयर्स आर नॉट री इशूड दैन प्रपोर्शनेट अमाउंट ओनली टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिज़र्व मतलब ये है अगर हंड्रेड शेयर्स आपने फोर फिट किए हैं उसमें सेवनटी शेयर्स आपने रीइशू कर दिए लेकिन थर्टी शेयर्स अभी रीइू नहीं किए तो थर्टी के हिस्से का जो फोर फीचर का अकाउंट बैलेंस है वो वहीं पड़ा रहने दोगे उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करोगे वो तब यूज़ करेंगे जब वो शेयर्स होंगे अब जैसे रीइू की बातें डिस्कस की देखिए जनरल एंट्रीज़ क्या होंगी अगर हम पाए या डिस्काउंट पे रीइशू करें तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू तो शेयर कैपिटल शेयर फोर फीचर में क्या आएगा जितना हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा जिस प्राइस पे हम शेयर्स री इशू कर रहे हैं शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल के अगेंस्ट क्या आएगा पेड़ अप वैल्यू ऑफ दोज शेयर्स बीइंग री इशूड अगर यही शेयर हम प्रीमियम पे री करें तो बिल्कुल वही एंट्री है जो हम फ्रेश एंट्री करते हैं लेकिन जैसे लंबसम हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ठीक है और बैलेंस लेफ्ट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व तो वो बात पहले भी हो चुकी इफ़ ऑल द फोर फीटेड शेयर है प्रपोर्शनेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड द बैलेंस विल बी स्टिलेफ्ट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल की वीडियो अभी भी बाकी है नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं कुछ टर्म्स और बैलेंस शीट के अंदर हम शेयर कैपिटल को कैसे शो करते हैं थैंक यू